हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी हम लोग आए हैं आरव की एक क्लास थी जो पेंटिंग क्लास 2 दिन की है। इसी को लेके हम लोग आए थे 10 बजे। अभी बज चुके हैं 12। अभी फिलहाल 12:30 बजे उसकी क्लास छूटेगी। बहुत सारे बच्चे भी आए हैं सीखने के लिए, तो ऐसे ही बैठे बैठे ब्लॉग बनाएंगे सोचा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नारियल के, यहाँ पर नारियल के सिलके निकालने का काम चालू है। नारियल के सिलके निकालने के बाद में नारियल वो लोग बेच देते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगे नारियल के सिलके निकाले जाते हैं। ये देखो गाइस, ये देखो इस तरह से नारियल के सिलके निकाले जाते हैं, और यही आदमी दिन में हजारों नारियल के सिलके निकाल लेता है। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे निकल रहा है वो। इसका फिक्स यही काम है कि नारियल के सिलके निकलना है। देखो कितने सारे नारियल है इसके पास, और काफ़ी सारा डंप भी हो चुका है नारियल के सिलकों से। ये नारियल के सिलके भी ये लोग बेच देते हैं रिक्शा की, जैसे कि एक रिक्शा लोड होने के बाद इनका वही पैसा रहता है एक रिक्शा के पीछे 800-900 रुपया रिक्शा रहेगा। तो ये सिलके बाद में चूल्हा में जा डाल के जला सकते हैं, कुछ काम में आ जाते हैं। जो जिसके घर में चूल्हा रहता है उसके काम में आ जाते हैं ये सिलके। अभी आरव को फिर डांस क्लास में मैं छोड़ के आया हूँ उसके। अभी आज से डांस क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मेरा तो रोज़ का काम है गाड़ी अभी लोड करानी है जाके। गाड़ी का आज ट्रिप है, आज लोड करके कल सुबह 4 बजे उठ के खाली करने जाना है। तो अभी मैं जाऊंगा लोड करने गाड़ी, उसके बाद आरव को भी लाना है सावड़े से। आरव छूटेगा 3 से 5 बजे तक उसकी क्लासेस है, और उसके बाद मैं जाऊंगा लाने के लिए उसको 6 बजे। तो देखते हैं, अभी मैं जाके गाड़ी लेके लोड कराने जाऊंगा। ये है हमारा गोवा का रोड। ऐसे टिप्पर जो है हमारे गोवा में बहुत सारे टिप्पर्स है ऐसे वाले ट्रक, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो गाइस, मैंने चद्दर का घर बनाया। ये देखो ओपन भी होता है, अंदर से भी देखो, दो जने बैठ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा तो गाइस, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम लोग बनाएंगे कल के बारे में कुछ प्लान, और कल हम लोग कुछ आप लोगों को नया दिखाना चाहते हैं इस ब्लॉग में। आज के दिन टाटा, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।